तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है कॉपी माई एग्जैक्ट स्टॉक मार्केट चार्ट सेटिंग्स टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। तो जैसे वीडियो के नाम से आपको पता चल गया कि मैं जैसा चार्ट सेटिंग यूज़ करता हूँ वो आपको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप भी वैसा चार्ट सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो जनरली यूज़ करता हूँ एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर मेरा रिसर्च के लिए। तो अगर आपके पास एमी ब्रोकर नहीं भी है तो भी आप चिंता मत कीजिएगा, आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे नॉर्मल चार्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा काइट में भी आप कर सकते हैं मेरे जैसा चार्ट सेटिंग। तो मतलब चार्ट सेटिंग आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ट्रेंड पता चल जाए, एक बार देखते ही आपको ट्रेंड पता चल जाए। तो चलिए मैं पहले मेरा चार्ट सेटिंग आपको दिखा देता हूँ एमी ब्रोकर में। तो अगर आपके पास एमी ब्रोकर नहीं है तो मैं एमी ब्रोकर के ऊपर मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है जहाँ से आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा और एमी ब्रोकर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। तो ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नहीं तो आप ये आई बटन को भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप सामने ये मेरा एमी ब्रोकर का विंडो खुला हुआ है, आप इसमें जो चार्ट है ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो इसमें देखिएगा मैं 4-5 इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो इतना सारा इंडिकेटर ज़रूरी नहीं है फिर भी मैं यूज़ करता हूँ, मेरा तो ऐसे आदत बन गया है, मैं एक बार देखते ही मार्केट का ट्रेंड कैसा है मेरे को पता चल जाता है। तो जैसे देखिए ऊपर में मेरा जो इंडिकेटर है प्राइस चार्ट के साथ मेरा जो इंडिकेटर है, ये प्राइस चार्ट मेरा थोड़ा कलर कोडेड है तो इसमें बुलिश ट्रेंड में आपका ब्लू कलर का बार्स आता है और बेयरिश ट्रेंड में रेड कलर का बार्स आता है और जब भी कोई ट्रेंड नहीं हो तो मेरा येलो कलर का बार आता है। तो इसके साथ मेरा देखिएगा एक बैंड है, तो ये बैंड बहुत ही मैजिक इंडिकेटर मैं इसको बोलता हूँ। तो इसमें देखिएगा बैंड, इसमें आपको क्लियरली ट्रेंड आपको पता चल जाएगा बैंड से। तो जैसे देखिएगा यहाँ से मेरा बैंड में 29/8/2020 से बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, तो अभी तक ये बुलिश ट्रेंड है, तो इसीलिए मैं ये बैंड को मैजिक इंडिकेटर बताता हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगा ऐसा एक इंडिकेटर आप भी लगा सकते हैं, ऐसा एक मूविंग एवरेज आप भी लगा सकते हैं। तो इसके नीचे देखिएगा मेरा स्टोकास्टिक जैसा एक इंडिकेटर मैंने खुद बनाया है, ये नॉर्मल स्टोकास्टिक नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, बट आप नॉर्मल स्टोकास्टिक से भी काम चला सकते हैं। उसके नीचे देखिएगा मेरा दो ट्रेंड इंडिकेटर है, एक का नाम है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, तो इसमें और दूसरा जो एक है दैट इज़ 4-Color MACD, ये मैं दोनों इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो आपको सिंपल एक बात से आपको पता चल जाता है कैसे ट्रेंड है। आप देखिएगा अभी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये बैंड देखिएगा, मेरा बैंड अभी तक ग्रीन कलर में है, तो आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपका बुलिश है। तो इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर में आपका कैसे कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है ये आपको स्टोकास्टिक से पता चल जाता है। और देखिएगा इसके नीचे जो इंडिकेटर्स है, ये जो स्क्वीज मोमेंटम है नहीं तो 4-Color MACD है, इसमें भी देखिएगा थोड़ा सा जब भी इसमें डिप आता है तो इसमें बेयरिश हो जा रहा है, इसमें रेड कलर का चेंज हो रहा है। तो मतलब ऊपर में मेरा बुलिश है और नीचे थोड़ा सा बेयरिश होता है तो उसमें मेरा डिप आ रहा है, तो उसमें मेरा एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है मेरे को। यहाँ पे देखिएगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला था, इसके बाद फिर से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला। ऊपर में फिलहाल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मेरा लगा हुआ है बट वो सिर्फ शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखने के लिए। शॉर्ट टर्म में जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी का ट्रेंड अभी बेयरिश है बट लॉन्ग टर्म में अभी तक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा, ये तो डेली कैंडल है तो मैं इसको वीकली करके आपको दिखाता हूँ। वीकली में ये इंडिकेटर मिराकल जैसा काम करता है, आप देखिएगा मेरा 2003 से लेके यहाँ पे डेटा है, तो इसमें आप देखिएगा 2003 से लेके आज तक सिर्फ 1, 2, 3 और 4 बार ये जो मेरा ऊपर का मैजिक इंडिकेटर ये मेरे को बेयरिश सिग्नल दिखाया था, बाकी ऑलवेज बाकी सब समय इसने बुलिश सिग्नल ही दिखाया है। और दोस्तों अगर मैं मंथली कैंडल करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मंथली कैंडल मैं कर देता हूँ, आप देखिएगा मंथली कैंडल में ये मेरा मैजिक इंडिकेटर कभी भी मेरा इसने बेयरिश सिग्नल दिखाया नहीं। तो निफ्टी में कभी भी एक लॉन्ग टर्म बेयरिश फेज अभी तक आया ही नहीं, जो भी आया है वो था बाइंग अपॉर्चुनिटी।
आप देखिएगा यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना है, जो भी बेरिश मार्केट जो भी बन रहा है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बना है। आप पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी था 2008 में, मेरा जहाँ से डाटा है तो वहाँ पे 2008 में पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी था। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 2011-12 में बाइंग अपॉर्चुनिटी था, उसके बाद देखिएगा दोस्तों 2016 में बाइंग अपॉर्चुनिटी था, और उसके बाद लास्ट ईयर ये COVID-19 ईयर में बाइंग अपॉर्चुनिटी था। उसके बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों ऐसे करके आपको पता चलता है, मेरा ये इंडिकेटर देख के आपको पता चल जाता है कि एक बार देखते ही पता चल जाता है कि लॉन्ग टर्म में मेरा ये निफ्टी का चार्ट ये बुलिश है और शॉर्ट टर्म में कभी कभार ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वैसे करके आप डेली में भी आपको कभी कभार आपको बेरिश फेज भी मिला है, देखिएगा यहाँ पे बेरिश फेज मिला था, पहले भी एक दो बार बेरिश फेज मिला था आपको, मगर इसमें डेली के लिए आप इसमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी मिला है। जैसे COVID-19 टाइम पे यहाँ पे देखिएगा आपको बेरिश फेज मिला था तो उसमें आपको शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, तो वैसे करके आपको ट्रेंड पता चल जाता है। तो चलिए दोस्तों ये तो मैंने आपको समझाया मेरा चार्ट सेटिंग्स, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप एक सिंपल सा, अगर कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म है आपके पास, अगर एमी ब्रोकर नहीं है तो आप इसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ीरोधा काइट में, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा ही एक चार्ट बनाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरा ज़ीरोधा काइट, ये ज़ीरोधा में अकाउंट खोलने के बाद आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास ज़ीरोधा काइट नहीं है तो आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोल के ज़ीरोधा काइट ले सकते हैं। तो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहीं से आप लिंक क्लिक करके, नहीं तो आई बटन को भी आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी ज़ीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक होगा, तो आप वो लिंक क्लिक करके आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोल के आप ज़ीरोधा काइट तुरंत पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सेम निफ्टी का डेली कैंडल लगा हुआ है, तो इसमें सेम इंडिकेटर तो मेरे को नहीं मिलेगा, मगर वैसा ही इंडिकेटर हम लोग ढूंढने का कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए स्टडीज़ में चलते हैं, स्टडीज़ में से मैं मूविंग एवरेज ले लेता हूँ, पहले मेरा जो मैजिक इंडिकेटर था तो उसके जैसा एक मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। इसमें फील्ड है क्लोज, तो मैं इसको फील्ड को क्लोज ही रखता हूँ। टाइप जो सिंपल है मैं इसको चेंज करके वेरिएबल बना देता हूँ, तो देखिए वेरिएबल मूविंग एवरेज हो गया, ये 50 के जगह मैं 25 कर देता हूँ। तो देखिए कलर सेम ही रखिए, इसको डन कर देते हैं। तो देखिए फिर से ये बन गया मेरा एक सेटिंग, इसमें देखिएगा कभी कभार ही निफ्टी में बेयरिश सिग्नल आता है। इसमें भी मेरा बहुत पुराना टाइम से देखिएगा जुलाई जून से मेरा बुलिश फेज चल रहा है, एक दिन के जगह दूसरा दिन कभी भी निफ्टी नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये जो इंडिकेटर का नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो मतलब जब भी ये इंडिकेटर ये मूविंग एवरेज को टच कर रहा है वही आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और ऐसे करके मार्केट चल रहा है। तो दोस्तों ये तो मेरा ऊपर वाला हिस्सा बन गया चार्ट का, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे नीचे वाला हिस्सा बनाने का। तो चलिए स्टडीज़ में से मैं MACD ले लेता हूँ, तो यहाँ पे MACD एक लगा दिया। तो MACD जब भी ज़ीरो के ऊपर है ये बुलिश फेज है, और जब भी ज़ीरो के नीचे चलता है वो बेयरिश फेज है। मगर आप देखिएगा ये जहाँ से भी मेरा ये वेरिएबल मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी डेली चार्ट चल रहा है, कभी भी एक दिन के ज़्यादा निफ्टी का MACD भी नीचे नहीं रहा, मतलब ज़ीरो के नीचे नहीं रहा। तो मतलब निफ्टी अभी भी बुल फेज में चल रहा है, ये हम लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक स्टोकास्टिक्स भी लगा लेते हैं, तो मतलब छोटा मोटा प्राइस मूवमेंट कैसे चल रहा है। और इसमें देखिएगा स्टोकास्टिक्स जैसे मैं देख रहा था, यहाँ पे देखिएगा निफ्टी तो बुल फेज में है, तो हम लोग जानते हैं निफ्टी बुल फेज में है, मगर आप अगर छोटा सा एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्टोकास्टिक सिग्नल से आप एंट्री ले सकते हैं, तो वैसे करके आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप चाहे तो एक सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हैं, मैंने लगाया था, उतना ज़रूरी कुछ नहीं है, मगर आपको एंट्री लेने के लिए सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, और सुपर ट्रेंड के साथ एक टारगेट भी रखिएगा कभी कभार ये प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ऐसे देखिएगा मेरा वेरिएबल मूविंग एवरेज भी बन गया, मेरा सुपर ट्रेंड भी बन गया, मेरा स्टोकास्टिक्स भी लगा दिया हम लोग, और एक इंडिकेटर हम लोग लगा लेते हैं तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा।
देखिएगा, हम लोग जैसे वहाँ पे देखा था स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, और नहीं तो फोर कलर एमएसडी जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ऑसम ऑसिलेटर लगा लेते हैं। तो देखिए सेम जैसा हो गया, वहाँ पे जैसे था वैसे ही सेम यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों ये तो मेरा ज़ीरोधा काइट में मैंने आपको दिखा दिया, और अगर दोस्तों आपके पास ज़ीरोधा काइट नहीं है तो मैं ज़ीरोधा काइट का लिंक, ज़ीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहीं से आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोल के आप ज़ीरोधा काइट ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही सेम चार्ट आप बना सकते हैं। तो अभी थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जूम करके देखिए, यहाँ पे निफ्टी था, बुलिश सिग्नल चल रहा था, यहाँ पे बाई सिग्नल आया, देखिए सुपर ट्रेंड में भी बाई सिग्नल आया, स्टोकास्टिक्स में भी बाई सिग्नल आया, मेरा ये ऑसम ऑसिलेटर भी ये ग्रीन दिखा रहा है। जब तक ग्रीन दिखा रहा है आप इसमें बाई को होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप जब भी रेड होता है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वैसे करके आप सिंपल आपको एंट्री एग्जिट आप इससे भी ले सकते हैं। तो मतलब आपको ट्रेंड पता चलता है, जब भी ट्रेंड देखिए बुलिश है, यहाँ पे भी आपका ट्रेंड बुलिश है, फिर से आपको स्टोकास्टिक्स में बाई सिग्नल मिल गया, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं जब तक ना आपका ये ऑसम ऑसिलेटर में आपका कलर चेंज होता है। तो वैसे करके आप एंट्री और एग्जिट भी ले सकते हैं और एक ही बार देख के आपको ट्रेंड भी पता चल सकता है। तो वैसे देखिएगा दोस्तों, मेरा जैसे एनी ब्रोकर में चार्ट था, ऑलमोस्ट सेम टू सेम चार्ट आपको ज़ीरोधा काइट में मिल गया, और इसके लिए आपको एनी ब्रोकर का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपका दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों मेरा जब भी नया वीडियो आता है उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।